डिप्रेशन का कारण मिसिंग आउट सिंड्रोम, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। डिप्रेशन, करीब करीब हर 5 में से 1 व्यक्ति को भी डिप्रेशन हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, और वो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ते जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या है कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, रोज कुछ तो भी नया हो रहा है, इंफॉर्मेशन रोज नहीं आ रही है, रोज टीवी पे एड नई 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 दिख रही है, कपड़े डिजाइन्स ड्रेसेस नए नए रोज दिख रहे हैं, उसकी एड चल रही है, साबुन से लेके तेल से लेके स्प्रे, मोबाइल्स सबकी एड्स आ रही है, ड्रेसेस सबकी एड आ रही है, और आपको वो बुला रही है कि ये खरीदो ये खरीदो वो खरीदो। यूट्यूब पर बोलो, फेसबुक पर बोलो, जिधर उधर ऐड चालू है और बड़े बड़े महान लोग उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं वो प्रोडक्ट की, और फिर वो प्रोडक्ट लोगों को लगता है कि मैंने लेना चाहिए। इतना फास्ट हो चुका है कि पिछले 1-5 साल में इतनी इतनी तरक्की हो चुकी है कि जो पहले 500 साल में नहीं हुई थी, इतनी 5 साल में हुई। आप एक नया फोन लेते हो, लोगों को बताते हो, दोस्तों को बताते हो कि मैंने नया फोन लिया, और दूसरे ही दिन या तीसरे दिन वही कंपनी का एक नया मॉडल आ जाता है जो इससे अच्छा रहता है, थोड़ा महंगा रहता है, और कुछ दिन में वो भी सस्ता हो जाता है। फिर मेरे दोस्त ने मोबाइल लिया, एकदम मॉडर्न है, एकदम नया है, तो मुझे लगता कि मैंने भी लेना चाहिए। बेटा रहा तो मेरे माँ बाप की तरफ जाएगा, मुझे ये होना मुझे वो होना डिमांड करेगा। लोगों को बर्थडे पार्टीज पे जाना है, बच्चों को एक तो खुद के बर्थडे पार्टी पे लोगों को बुलाना है, बर्थडे पार्टी अरेंज करना है वो भी घर पे नहीं बड़े होटल में, और नहीं तो फिर किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है बड़े होटल में और वहाँ उसको बड़ी गिफ्ट देना है। तो माँ बाप को बच्चे पैसे मांगते हैं खर्च करने के लिए, पॉकेट मनी अभी 1,000 2,000 5,000 पूरी पूरता नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, बाइक होना, नए मोबाइल्स होना, नए नए मोबाइल्स, नए नए ड्रेसेस, नए नए हेयर स्टाइल, टैटू करना, मतलब अलग अलग इतना। और फिर उसमें होता क्या है कि भाई मैंने वो किया नहीं, ऐसा लगता है कि भाई मेरे दोस्त कर रहे, मेरे बाजू वाले कर रहे और मैं नहीं कर रहा हूं। लोग कुछ तो भी थोड़ा सा लेते हैं, टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी की, नई कार आ गई तो टेस्ट ड्राइव लेंगे, फोटो निकालेंगे डाल देंगे, लोगों को लगेगा इसने गाड़ी खरीद लिया है, एक्चुअली गाड़ी खरीदी नहीं टेस्ट ड्राइव लिया है। कुछ तो लोग ऐसे मुझे मिले कि भाई बड़े शोरूम में जाएंगे मल्टीनेशनल ब्रांड के, वहाँ वो ड्रेस पहनना है करके अंदर जाएंगे, ड्रेस पहन के देखेंगे कैसा लग रहा है तो फोटो निकालेंगे फेसबुक पे डाल देंगे मैंने ड्रेस ले लिया, एक्चुअली ड्रेस लिया ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने लिया नहीं, वो तो आगे बढ़ रहा है, उसने तो इतना महंगा जूता खरीदा, इतना महंगा ड्रेस खरीदा, गहने खरीद लिए और मैं पीछे हूं। तो ये जो है कंपटीशन, अट्रैक्शन बाहर की दुनिया की तरफ, एडवर्टाइजमेंट चालू है, वो पुकार रही है जोर जोर से कि आओ आओ हमारा माल खरीद लो, और उसमें फिर ना आपके पास में उतना समय है कि मैं सब वो कर सकूं, ना मेरे पास में उतने पैसे हैं कि ना मैं सब वो खरीद सकूं, ना मेरे पास में रिसोर्सेस है कि मैं वो पाऊं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आएगा फ्रस्ट्रेशन, तो फिर आएगा नर्वसनेस, तो आएगा कि भाई मिस आउट कर रहा हूं, मैं वहां तक नहीं हूं। क्योंकि लोग मिलते हैं और बोलेंगे हम वहां गए थे, वो पिक्चर देखा, वो पिक्चर देखा, वो पिक्चर की वो मूवी की बात करेंगे, और वो मूवी की बात करके उसमें क्या, तो मुझे लगता है मैंने देखा ही नहीं यार, मैं तो पिछड़ा हूं, मैंने तो देखा ही नहीं वो मूवी। तो वो जो बात कर रहा है, कोई मैच की बात कर रहे, क्रिकेट की मैच की बात कर रहे, मैंने देखा ही नहीं मैच, ऐसे में क्या हुआ? तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पार्टी के जाने के पहले कुछ तो भी पढ़ लेंगे, गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे, कुछ तो भी नया टॉपिक निकालेंगे और वहां जाके बताएंगे कि हमको कितना बड़ा ज्ञान है, खोटा झूठा, जानबूझ कर कुछ तो भी वो टॉपिक निकालेंगे जो अपन ने पढ़ा हुआ है और उस पर से मैं कितना ज्ञानी हूं वो बताएंगे। तो उसमें भी फिर बाकी लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है कि भाई मुझे नहीं आ रहा है, मैं पिछड़ा हूं, मैं पीछे हो गया हूं, बैकवर्ड हूं। हमारी एक तो जो इच्छा नहीं है वो इच्छा तैयार की जा रही है, क्रिएट की जा रही है, मेरे को जरूरत नहीं है,
मगर बाहर की दुनिया मुझे इतनी जोर जोर से पुकार रही है, एडवर्टाइजमेंट इतनी जोर से पुकार रही है कि मेरी इच्छा जो नहीं है, मालूम ही नहीं है, वो क्रिएट किया जाता है। और वो एड बता के मुझे उसकी ज़रूरत है ऐसा बताया जाता है, मेरी ज़रूरत पैदा की जाती है और फिर मुझे खरीदने में मजबूर किया जाता है। मेरी इच्छा जो तैयार हुई है वो मतलब कंप्लीट कर सकते, पूरी कर सकते ऐसा बताया जाता है। और फिर मेरी इच्छा पूरी हुई नहीं तो फिर मुझे वहाँ भी एक फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, नर्वसनेस आता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लोग शादियों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लाखों रुपया खर्चा होता है, करोड़ रुपया खर्चा होता है, बड़े बड़े गारमेंट्स, बड़े बड़े गहने, भेंट वस्तु करके जो आते मेहमान उनको दी जाती है, और कितना बड़ा बड़प्पन है और कितना बड़ा व्यक्ति ऐसा बताया जाता है। और फिर मुझे भी वैसी शादी करने में मजबूर किया जाता है जब मेरी उतनी हैसियत नहीं है, मैं इतना नहीं खर्च कर सकता हूँ ज़बरदस्ती। और यदि मैं वैसी शादी नहीं कर सका मेरे बेटे की बेटी की तो मुझे गिल्टी फील होता है। तो ये हो गया फोर्स कंज्यूमरिज्म, फोर्सफुली आपको कंज्यूम करने के लिए बाध्य कर डालते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भाई लोग कितने सफल है, कितने सक्सेसफुल है, और फिर ऐसा तैयार किया जाता है कि भाई सक्सेस तो मिलना ही मिलना है, पैसा तो मिलना ही चाहिए, और बाय एनी मीन्स मिलना चाहिए, कैसे भी तरह से कुछ भी करके पैसा मिलना चाहिए। मतलब ऐसा मजबूर किया जाता है कि सक्सेस बाय एनी मीन्स, कुछ भी करो सक्सेस पाओ, सक्सेस पाना ही पाना है ऐसा। तो फिर इसमें वैल्यूज कहाँ गई, विजडम कहाँ गया कि भाई मेरी इंटीग्रिटी कहाँ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, मेरा विजडम कहाँ है, मेरी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। कुछ भी नहीं है, लोग बोलते कुछ भी नहीं, कुछ मत बताओ, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, कुछ भी नहीं। मेरे को सक्सेस चाहिए, कुछ भी करके सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, और वो कैसा भी करके मैं कमाऊंगा। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में स्टूडेंट्स गन लेके स्कूल में जाते, उड़ा देते हैं, खून खराब हो जाता है स्कूल में, स्कूल के बच्चे। तो फिर अभी इसका जवाब क्या है, तो इसका जवाब यही है कि भाई हमने विजडम लिटरेचर पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के जो वर्कशॉप्स है वो करना चाहिए। हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप में खुद करता हूँ, वहाँ कुछ क्या संभव है, हम लोगों के जीवन में कैसा फर्क ला सकते हैं, लोगों के लिए कैसा सर्व कर सकते हैं। मैं दुनिया में आया हूँ तो फिर मैं लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, मतलब इस तरह का मैं पढ़ता हूँ, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में लाता हूँ। क्योंकि जो बहुत बड़े लोग हुए हैं, जो भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मौज मजा नहीं की, उन्होंने कभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाके धूमधाम नहीं की कि भाई उसमें टाइम कमाया या पैसे कमाए। वो बड़े हुए विजडम लिटरेचर से, ज्ञानी बने पढ़ के, पढ़ाई करके, बुक्स पढ़ के। क्योंकि एक आदमी का जीवन चरित्र हमको मालूम करने में टाइम लगेगा, मगर उसने लिखी हुई किताब हम पढ़ते हैं तो हमको एक किताब में मालूम पड़ जाएगा ये आदमी कितना बड़ा था। तो बच्चों को हम वो पढ़ाते हैं, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, फेसबुक के ऊपर आते हैं, मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे वो लोग देखते हैं, तो उसमें उनकी मैच्योरिटी होंगी। अदरवाइज़ अभी सब खत्म होते जा रहा है, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं, एथिकल वैल्यूज़ नहीं, एथिक्स नहीं, मॉरलिटी नहीं, इंटीग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, सब नीचे नीचे जा रहा है। लोगों को बस तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए अभी के अभी चाहिए, पैसा चाहिए, और लोगों को पैसा उड़ाने का है, एंजॉय करने का है, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब उसके लिए हमको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि भाई आगे हमारा हमारे हमारा सिस्टम कैसे रहेगी, हमारी कम्युनिटी कैसे रहेंगी, हमारा देश कैसा रहेगा, मेरा जीवन कैसा कॉन्ट्रीब्यूटरी रहेगा, मेरा जीवन कैसा पर्पसफुल रहेगा, वो वैल्यूज़ बच्चों में इनकलकेट करना, वो देना। वो देते हैं तो डेफिनेटली कल का नागरिक बहुत शून्य और ज्ञानी बनेगा। डिप्रेशन तो आपके पास में भी आएगा नहीं, क्योंकि ये सब जब होता है कि मैं कर नहीं सकता, और जो मिसिंग आउट सिंड्रोम है कि मैं मिस हो गया, बाकी सब आगे बढ़ रहे, मैं मिस हो गया, मैं उनके साथ में नहीं हूँ, उसमें जो गिल्टी फीलिंग है, उसमें जो फ्रस्ट्रेशन है, उसमें जो डिप्रेशन है, वो भी नहीं आएगा, और लोग हैप्पीली अपना जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।